नमस्कार किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, सोमवार से शुक्रवार हम आपकी करते हैं समस्याओं का समाधान अपने कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे एक विशेष जानकारी। किसान भाइयों, कुछ दिन पहले ही भरतपुर में उन्नत खेती पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में हमारे कृषि वैज्ञानिक थे और साथ में सैकड़ों किसान थे। इनकी समस्याओं का समाधान हुआ और आइए देखते हैं तो उनकी क्या समस्याएं थी और हमारे कृषि विशेषज्ञों ने उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कुछ कहा। आज हम लोग लुपिन के एस कुम्हेर स्थित परिसर के अंदर उन्नत खेती पर संगोष्ठी का जो आयोजन हुआ है उसमें हम हमारे जिले के बहुत ही उन्नतशील और प्रगतिशील किसानों के बीच में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारी जो परंपरागत खेती है उससे हटते हुए आज यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से, यहाँ के वातावरण के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से हम किस तरह से नई कृषि की दिशा में चल सकते हैं, जिसमें कि हमारे कृषि के साथ साथ में, खेती के साथ साथ में, फसलों के साथ साथ में हम लोग दूसरे जो विधाएं हैं कृषि की, जिसमें हम पशुपालन को भी ले सकते हैं, उद्यान विज्ञान को भी ले सकते हैं और इससे हटकर जो है दूसरे ऐसे भी चीजें हैं जिसमें कि हम मूल्य संवर्धन को भी इसके अंदर उंगली ले सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हो, आज जो परंपरागत खेती है हमारी उससे आज के जो जितने भी खर्चे हैं वो नहीं निकल सकते। हम लोग बात करेंगे ऐसी इन परिस्थितियों के अंदर जो चीज होती है, जैसे आपके सामान्य रूप से आप सरसों ही पैदा कर रहे हो तो हमारा मानना यह है कि वैज्ञानिक लोग मानते हैं कि भरतपुर जैसे जिले के अंदर भी आज भी सारी संस्थाओं को मिला के 2000 क्विंटल से ज्यादा सरसों का बीज जो चाहिए नहीं होता और 10,000 क्विंटल चाहिए, तो क्यों नहीं हमारे काश्तकार भाई जो सरसों सामान्य रूप से लेते हैं वो थोड़ा सा सरसों का बीज उत्पादन कार्यक्रम में जाएं, अपने आप को बीज से अगर जोड़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो सरसों हमारी आज 20 रुपया किलो और 21 रुपया किलो आप लोग अभी बेचोगे, वो कम से कम जब आपका बीज बनकर तैयार होता है कोई भी काश्तकार शायद 50 रुपये से किलो का कम का बीज शायद नहीं डालता। आपको उन्नत नस्ल के जो बीज हैं जो आपके कृषि केंद्रों के ऊपर जो पैदावार हो रही है उनको एक तो उन्नत किस्म का बीज लाइए, इसके साथ साथ बीज का बीजोपचार करिए, क्योंकि ये बड़ा ही सस्ता और एक छोटी चीज है कि बीजोपचार अगर आपने कर लिया तो जितनी भी बीमारियां हैं उनके लिए आप उसको जो है आपका बीमारियों से पौधे ग्रसित नहीं रहेंगे और पूरी पूरी पैदावार आपको मिल सकेगी। यहाँ पर जो गोष्ठी हो रही है लुपिन परिसर में, इसमें उत्तम खेती आज जो विषय रखा गया है बहुत ही अच्छा है। उत्तम खेती का मतलब है कम लागत में उत्तम उत्पादन प्राप्त करना ही उत्तम खेती है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का, जल का, जमीन का कम से कम उपयोग हो, अधिक से अधिक लाभ हो। उद्यान की फसलों पे हम ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि उसमें ज़्यादा लाभ मिलता है। इंटरक्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग पे हम ज़्यादा ध्यान दें, साथ ही इसमें पशुपालन को हम इस जोड़ते हुए ज़्यादा लाभ कर सौदा बना सकते हैं। हमें जो भी व्यवसाय करना है, चाहे कृषि क्षेत्र में है, पशुपालन क्षेत्र में है, तो उसके लिए हमें ये ध्यान देना होगा कि उत्तम कृषि करें और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करें कम क्षेत्र में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उन्नत कृषि पर जो गोष्ठी है उसके रूप में इकट्ठे हुए हैं। आपको ये चीज़ मालूम होगी कि आज हिंदुस्तान में 60% जो जनता है वो आज भी कृषि पर आधारित है, लेकिन कृषि एक बहुत ज़्यादा लाभकारी धंधा नहीं रह गया है और उसको हम लाभकारी किस तरह से बनाएं उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक उन्नत कृषि की तरफ जाएं। और दूसरी बात यह है कि उन्नत कृषि के अलावा हम उसका डाइवर्सिफिकेशन कैसे करें, ये दो चीज़ों पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। डाइवर्सिफिकेशन से मेरा मतलब ये है कि किस तरह से कृषि पालन के अलावा मुर्गी पालन करें, हम बागवानी करें, हम फूलों की खेती करें। अगर हमारे पास 15 बीघे खेती है तो क्या हम 1 बीघे में फूलों की खेती कर सकते हैं, क्या 5 बीघे में हम सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं और बाकी की जो चीज़ हैं उसमें जो भी हम गेहूँ का उत्पादन करें, सरसों का उत्पादन करें, जब तक हम इस तरह का काम नहीं करेंगे तो कार्य अधिकतर लाभकारी नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि हमको मूल्य संवर्धन पर हमको जाना पड़ेगा। तो हमारे जो किसान भाई हैं खेती कर रहे हैं हम, और अगर हम 25 से लेकर के 50 बक्से हम मधुमक्खी पालन के कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा
काम हो जाएगा। सबसे पहली जो चीज है कि जो हमारी आदान है, इनपुट कॉस्ट है, उसको हम कैसे करें। इनपुट कॉस्ट क्या होती है, आदान कॉस्ट क्या होती है, खेती में क्या चीज लगती है, बीज लगता है, फर्टिलाइजर लगता है, पैसे लगते हैं क्यों, पैसे से चीजें खरीदी जाती हैं, टेक्नोलॉजी लगती है, और उसके अलावा पानी लगता है। इन सब चीजों की हम खपत कैसे करें, कम कैसे करें, जिससे हम आदान कम करेंगे तो हमको ज्यादा मुनाफा होगा। तो आदान कम करने की किस तरह से करें कि जहां फर्टिलाइजर लग रहा है वहां बर्मी कंपोस्ट लें, बायोगैस लगाएं तो उसकी सलरी का काम में लें। और लास्ट में मैं एक बात कहूंगा आपसे, आखिर बात, किसान को अब ये सोचना पड़ेगा, अपने आप को किसान नहीं कहना पड़ेगा, और किसान को उद्यमी बनना पड़ेगा। और उद्यमी भी वो होता है जो एक कदम चल के सक्सेस का दूसरे कदम चलता है, तीसरे पायदान पर चढ़ता है, चौथे पायदान पर चलता है और उद्यमी बन जाता है, अपने लाभ और हानि का पूरा सिस्टम देखता है। जब तक आप उद्यमी नहीं बनोगे, जब तक काम चलने वाला नहीं है। आपके अगर कोई सवाल हो इसके बारे में तो आप सवाल कर सकते हैं मुझसे। हम, मैं काश्तकार हूँ, मेरे पास में 40 बीघा जमीन है। उस जमीन से चारा पैदा होता है, जिससे मतलब ज्वार बाजरा जो पैदा होता है उसका मतलब भूसा बनता है, गेहूं का भूसा बनता है। तो उसके लिए मैं पशुपालन करना चाहता हूं। हमारे नगर के पास गांव होने के वजह से मैं डेयरी खोलना चाहता हूं। तो डेयरी के लिए मेरे को बताएं कि कौन सी भैंस, कौन सी किस्म की भैंस, नस्ल की भैंस, कौन सी नस्ल की गाय मैं खरीदूँ, जिससे उनसे अच्छा दूध उत्पादन हो सके और मेरा मतलब मेरे को मुनाफा मिल सके। आपने जो सवाल किया था कि पशुपालन किस तरह से किया जाए और कौन कौन सी वैरायटी भैंस की और गाय की भरतपुर ज़िले में चल सकती हैं, तो मेरा उस बारे में यही कहना है कि जो सबसे अच्छी जो भैंस की वैरायटी है वो मुर्रा बफेलो है, और जो मुर्रा जो भैंस है वो हम बड़े आराम से हरियाणा से लेकर के आ सकते हैं, और उसका जो दूध है वो काफ़ी ज़्यादा दूध है। दूसरी जो बात आपने कही है कि गाय के बारे में कही है, तो गाय का आपको मालूम है करीब 200 गाय हम राठी की ला चुके हैं यहाँ पर भरतपुर ज़िले में, और उस राठी की गाय को हम लाएंगे तो उसमें जो कीमत आ रही है उसकी पूरे पालने के लेकर के, उसकी पूरी कॉस्ट है वो 40% है और हमको 60% हमको मुनाफा होता है। और वैसे भी आजकल जो जनता है वो बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज़्यादा गंभीर है, बहुत ज़्यादा चेती हुई है, तो मैं चाहता हूँ कि गाय का हमको प्रोत्साहन करना पड़ेगा। और जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, भरतपुर का सवाल है, भरतपुर वैसे ब्रिज एरिया का है और गोवर्धन की जगह है, मैं चाहता हूँ कि भैंस के ऊपर आपको अब गाय की वरीयता आपको देनी चाहिए। हमारे यहाँ पशु की कीमत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि हम हरियाणा या पंजाब से लाते हैं। इसलिए मेरा प्रश्न ये है कि क्यों ना हमारे यहाँ पशु के बीज का उत्पादन किया जाए, जिससे कि हमको कम लागत में, कम मेहनत में और अच्छे नस्ल के पशु घर पर उपलब्ध हो सकें। क्योंकि हम हरियाणा से लाते हैं या पंजाब से लाते हैं या पश्चिमी राजस्थान से लाते हैं, तो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा पशु के ऊपर बहुत वहन होता है। इसलिए जैसे सांड है, तुम्हारे होल्स्टन है, जर्सी है, राठी है और थारपारकर है, इनके अगर सांडों का बीज यहाँ भरतपुर में बने, भैंसें जैसे मुर्रा है, खुंडी है, इनके बीज अगर भरतपुर में हमको उपलब्ध हों तो हमारा विकास और जल्दी तेज होगा। पशुपालन जब तक उन्नतशील का ब्रीड नहीं होगा, उन्नतशील की किस्म नहीं होगी, तो ये जो पैदावार की जो आप बता रहे हो, ये पैदावार की क्षमता हमारी देसी क्यों नहीं चल पाती। देसी प्रकृति के हिसाब से बहुत अच्छी है, लेकिन इसलिए नहीं चल पाती है कि उसका जो लागत है वो काफ़ी ज़्यादा आती है और कमा ये जो उसकी जो आउटपुट है वो काफ़ी कम रहता है। मुर्रा जो यहाँ की भरतपुर, कम से कम इस मामले में पूरे राजस्थान भर के लिए मुर्रा के जो है मेल जो आपके हैं पहाड़े हैं वो सप्लाई भी यहाँ होते हैं कुम्हेर से ही, आपके सेंटर से ही, कृषि विज्ञान ये आपके जो है ना पशु प्रजनन केंद्र से। आप लोग जो आपका पास का जो गांव है, पास का जो हरियाणा, जैसे हरियाणा को हम ये मान के चलते हैं कि 100% करीब करीब मुर्रा भैंसें वहाँ हैं, तो वहाँ जो भी पहाड़ी उनके जो पैदा होती है निश्चित रूप से आप उसको जो है छोटी अवस्था में ही, जैसे कि 4 महीने की है, 5 महीने की है, जैसे ही वो दूध से थोड़ा सा अलग होती है जो उसी समय अगर आप खरीदोगे और अपने यहाँ पे लाके उसे परवरिश करोगे, उससे बहुत बड़ा दो फायदे ये होंगे कि एक तो जो आप लोग ये कहते हो साहब वहाँ से हम ले तो आते हैं 50,000 की भैंस, वहाँ जो उसकी क्षमता है दूध देने की 25 तो 30 लीटर होती है, और यहाँ आते ही एकदम जो डाउन हो जाती है वो चीज़ नहीं आएगी। वो जो आप आड़ी वहाँ से खरीदोगे, हीपर जो वहाँ से खरीदोगे, तो वो धीरे धीरे आपके यहाँ बढ़ती है,
चलेगी और यहाँ के वातावरण के हिसाब से वो अनुकूल हो जाएगी। तो एक सबसे पहला काम तो आप शुरू में ही ये कर सकते हो कि वहाँ से छोटे हीपर्स खरीदें जिनकी उम्र 6 महीने से कम हो और उसके हिसाब से विशेषज्ञों के हिसाब से उसको चारा दाना वगैरह पूरा दें, इस ये मानते हुए कि इसको हमको 3 साल के बाद में ये हमारे पास भैंस बन के और काम आएगी, इसमें आपकी लागत काफ़ी कम हो जाएगी। सब्जी की खेती करता हूँ, अब मैं बागवानी की तरफ मुड़ना चाहता हूँ, तो पपीते की खेती के बारे में, हमारे यहाँ की जलवायु भी उत्तम है, मिट्टी अच्छी है, मैं जांच करा के आया हूँ मिट्टी और पानी की, तो मैं पपीते की खेती करना चाहता हूँ, इसके बारे में आप जानकारी दें, बीज कहाँ से कैसे मिलेगा और किस प्रकार से रुपाई और उसकी बाढ़ का इंतजाम कैसे क्या करना पड़ेगा, तो इस बारे में मुझे बताने की कृपा करें। पपीते की खेती के बारे में आपने जो क्वेश्चन किया बहुत ही अच्छा है और आज WHO के अनुसार भी एक मानव को प्रतिदिन 92 ग्राम फल खाने चाहिए एक दिन में बैलेंस डाइट के अनुसार। तो अब ये इसलिए फलों के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, स्वस्थ मानव स्वस्थ किसान स्वस्थ देश रहे की पहचान है और पपीता का जो बात है वो बहुत ही अच्छा है और कम लागत में अधिक उत्पादन मिल जाता है इसमें। और पपीते का 10 ग्राम बीज जैसे अभी ताइवान पपीता का बहुत अच्छा आ रहा है, हनी ड्यू है, पूसा है, ये कई वेराइटी हैं जो कि अपने क्षेत्र के लिए बहुत ही अनुकूल हैं और इसमें हम कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। एक पेड़ से ही 100 से 150 फल तक लग जाते हैं ताइवान पपीता में और इसका हमने सफल प्रयोग भरतपुर में किया है, बयाना साइड में वहाँ पर काफ़ी बैर भसावर इलाके में हो रहा है और हम इस तरह से लगा रहे हैं। तो 10 ग्राम बीज जो आता है वो करीब 2000 रुपये तक आता है और वो बीज हम बंगलौर से मंगाते हैं, बंगलौर से आता है बाई एयर आता है और लुपिन द्वारा ये मदद की जा रही है, जो भी किसान इसके इच्छुक हैं उसको 50% कॉस्ट पे हम दिलवाते हैं, नर्सरी भी लगवाते हैं। 10 ग्राम बीज में 500 से 600 बीज निकलते हैं और उससे 500 तक पौधे तैयार हो जाते हैं और वो पौधे 2 से 2 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं, सफसली खेती के तौर पर भी अपना सकते हैं और ये किसान के लिए बेहतर है। और इसमें जो खाद वगैरह है वर्मी कंपोस्ट का एक पेड़ में 40 से 50 ग्राम के हिसाब से डालते हैं और फिर बीच बीच में रिपीट करते रहते हैं, इस तरह से हम इसको ऑर्गेनिक खेती के रूप में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।